तो ये है मारुति की ऑल्टो K10 और ये आ रखी है ऑटो एक्सपर्ट गुरु के पास यहाँ वीडियो को देख के। तो उस्ताद जी बताएंगे क्या क्या प्रॉब्लम है इस गाड़ी में। से भाई राम राम भाई नमस्कार भाई ऑटो एक्सपर्ट गुरु में आपका स्वागत है। तो भाई गाड़ी ना सर की गाड़ी में क्या आवाज आया था नॉइस आ गए थे। अच्छा, तो गाड़ी को मैं ड्राइव करा गाड़ी देखा तो क्लेपर पिन में आवाज आ रहा था। नॉइस कैसा नॉइस आता है? खट्टों में जाएंगे खटखट बजता है तो हल्का अगर आप ब्रेक पे पैर रख के चलाएंगे तो बंद हो जाता है आवाज। इसे पैसा करने के लिए इस तरीका है कि जब ड्राइव करते हैं हल्का पैर ब्रेक पे रखें और चलाते रहे साउंड बंद हो जाता है तो क्लेपर पिन की आवाज बंद हो जाएगी। अच्छा, तो क्लेपर पिन की आवाज है तो हमने कर दिया है। और जिसमें की सर्वे के हेडलाइट वाला वारंट था तो अभी कराया हमने, वोल्टेज चला हुआ था तो अभी से रिपेयर कर दिया हमने, डाल दिया वोल्टेज वगैरह चेंज करा बल्ब वगैरह भी। और फिर सर्विस सर्विस ने बोला गाड़ी चेक कर लो, गाड़ी में कोई और सर्विस वगैरह नहीं मांग रही है। अच्छा, तो सर्विस चेक किया, सर्विस ड्यू भी थी, सर्विस भी करा दी हमने साथ साथ जो कि ऑयल ये वाला यूज करें। अच्छा, ये है इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर लगा दिया क्योंकि, और एयर फिल्टर भी लगा दिया हमने। अच्छा, अगर देखना चाहे दिखा देते हैं, यहाँ डाल दिया है हर गाड़ी के। तो कितने का लगभग ये? सर ये 200 रुपए का सर फिल्टर होता है। और फिल्टर आपका जो ऑयल फिल्टर लग रखा है वो 100 रुपीज का, 100 रुपए ही आता है। और ये इंजन ऑयल ऑयल के प्राइस अगर आप देखेंगे तो 2000 कुछ रुपए है, 2000। लेकिन हमें जो खरीद में आता है 1700 रुपए का आसपास का आता है, 1700 के। अच्छा, जो कि फुल सिंथेटिक ऑयल है, बाकी कई गाड़ियों में इस्तेमाल करा हमने और बिल्कुल ओके चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैस्ट्रोल भी डाल लें, ये भी डाल लें, तो जैसा आगे डिमांड लोग। अच्छा, तो एक चीज पूछना चाहूँगा, लगभग गाड़ी कितने किलोमीटर के बाद सर्विसिंग होना चाहिए? 10 लोग बोलते हैं हमारे हिसाब से गाड़ी 9000 में होना चाहिए, कंपनियां 10000 कहती है। लेकिन होता क्या कि हाँ उस टाइम में हम इंजन काउंट करते हैं। अच्छा, इंजन का जब हमारा जो है काउंट नहीं होता, सिर्फ पहिए काउंट करके क्योंकि आपका टायर घूमेगा तभी किलोमीटर घूमेगा। अच्छा, लेकिन कुछ गाड़ियां क्या खड़ी रखते हैं, हम एसी चला के बैठते हैं, हेडलाइटें रुकती है तो इंजन चल रहा है, रनिंग कर ही रहा है। तो हम ये कहते हैं जो गाड़ियां रनिंग कर रही है उनका 9000 कराएं और नई टाइम मिला 10000 का लें, क्योंकि 9 पे कराएंगे फिर भी अभी गाड़ी 10:30 की चली होती है। तो मोस्टली नॉर्मल सर्विसिंग में क्या क्या किया जाता है? इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर। अच्छा, और टोटल बॉडी वर्क क्लीन मार्क कर लो, कूलेंट पानी साथ चेक कर लो। अच्छा, यही होता है। हाँ, ब्रेक पैड वगैरह चेक कर लो, बस नॉर्मल सर्विस ही होता है, नॉर्मल सर्विस ही है ना। क्योंकि सर की गाड़ी पहले 5000 किलोमीटर पहले हुई थी। अच्छा, तो सर ने कराया होगा फिर हमारे से करा रहे। अच्छा अच्छा, जो गाड़ी की रनिंग कम होता है खड़ी ज्यादा रहती है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि अगर इंजन ऑयल शुरू से एक ही डाल रहे तो वही डालते रहो, बेटर है कि एक ही ऑयल डालना चाहिए, एक ही ऑयल डालना चाहिए। अच्छा, चाहे आप ऑयल कोसी का भी डालें, चाहे कस्टर्ड ऑयल डालें, मोबिल डालें, कोई भी डालें, ऑयल एक ही यूज करें, ऑयल एक ही यूज करें। और आजकल ऑयल सिंथेटिक ही ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं। अच्छा, तो यूज करें तो हर ऑयल का थका हुआ ऑयल भी ना डालने की दिक्कत ही आ जाए। तो ये ऑल्टो K10 है तो इसमें लगभग कितना जाता है इंजन ऑयल? 3 लीटर ऑयल जाएगा, 3 लीटर ऑयल जाएगा, बाकी जो बच जाएगा 3.5 लीटर का, 3.5 का भी आता है, 3.5 का भी आता है, 5 का भी आता है, जैसा जिसको जो जरूरत हो कह ले आओ। ओके, तो कुछ लोग कहते हैं कि फ्लश करना चाहिए इंजन को, ऐसा कब करना चाहिए? इंजन फ्लश जब करें जब इंजन गंदगी ज्यादा है। अच्छा, गंदगी ज्यादा है, वो कैसे पता चलता है? जब आपका इंजन ऑयल निकलता है, जब आप कैप खोलेंगे, गेज निकालेंगे, उसके अंदर दिख जाएगा आपको। अच्छा, कालक ज्यादा जमी हुई तो उसको फ्लश कर दें आप। अच्छा, फ्लश तो वो फ्लश क्या कुछ आता है, पाउच वाउच या कुछ ऐसा? नहीं, वो डिब्बे आता है 250 ग्राम का। अच्छा, अलग कंपनियों का आता है, बाकी जो आपको बेस्ट रहता है वो डालें। अच्छा, यानी कि इस कंपनी डाले, इस कंपनी डाले, अरे बंडाल के भी आता है, कई कंपनियों का आता है। अच्छा, ऑयल चेक किया जाएगा, ऑयल लेवल है, ऑयल लेवल है। हाँ, ये थोड़ा सा ऊपर रखते हैं क्योंकि 100 ग्राम करीब फिल्टर में जाता है। हाँ, अभी तो अभी बस थोड़ा देखते हैं, ऑयल डला है अभी, नीचे बैठेगा अभी। तो ये थी हमारी ऑल्टो K10 जो कि सर्विसिंग होने के लिए आई थी और थोड़ा सा नॉइस प्रॉब्लम था। तो सामने हमारे कस्टमर जी है जो जिनकी गाड़ी है, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।